अभी आरान खान जो है, अभी आरान खान जो है वो बताने वाले किसका बड़ा है, क्योंकि रणबीर कपूर एक्चुअली रणबीर सिंह एक्चुअली जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है किसका बड़ा है, वो एक्चुअली कंपेयर करेगा टॉयलेट में जाके। अभी आरान बताएगा, चल बताएगा छोड़ के यार। सूर्यवंशी मुझे ठीक लगी, ठीक लगी, अच्छी लगी। हाँ देखो वो पिक्चर चलेगी, ये तीन जन है और रणवीर सिंह लिपस्टिक लगा के आएगा, सामने पता नहीं और क्या क्या लगा के आएगा, तो वो तो चल जाएगा। तीनों साथ में कैसे दिख रहे, धमाकेदार, मतलब ग्रैंड एंट्री भी दिख रही है सबकी। हाँ तीनों साथ में अच्छे दिख रहे हैं, और जैसे रहीम अभी फिलहाल बॉडी वॉडी बना के एकदम कैमरा पकड़ के खड़ा है। कितना एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए? मैं एक्साइटेड नहीं हूँ यार, मैं ऐसे मूवीज़ देखने के लिए एक्साइटेड नहीं रहता हूँ। फॉर मी समथिंग लाइक अगर कंगना रनौत आती है कोई पिक्चर बना के तो मैं एक्साइटेड होता हूँ। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, क्योंकि इसमें स्टोरी? इट इज़ गोइंग टू बी अ हिट विदाउट अ डाउट, तीनों जन है, इट्स गोइंग टू बी अ हिट। एक्सपेक्टेशंस कुछ भी नहीं, इट्स अ नॉर्मल मसाला नीटी ना, पीछे एक रियल लाइफ इंसिडेंट को दर्शाने की कोशिश किया है, दर्शाते तो है लेकिन असली बात रियल लाइफ के बारे में, इंसिडेंट्स के बारे में बात करने के लिए उन लोग खुल के सामने नहीं आते, विच इज़ रियली पथेटिक। तो जो भी है दैट इज द हेड माइंड सेट। व्हाट आई वांट टू से इज आई एम नॉट रियली एक्सपेक्टिंग एनीथिंग ट्रेलर, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट इट्स गोइंग टू बी अ हिट। यार ट्रेलर बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेलर बनाया है, सबने बहुत अच्छा काम करा, जिस तरीके से आपने देखा अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा, जिस तरीके से आपको बताया कि उनकी एंट्री किस तरीके से हुई है, एंड रणवीर सिंह की एंड अजय देवगन, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि अक्षय कुमार लेते हैं, इसका कबीना भी बाकी है, कबीना आने का बाकी है, तो ऐसा बोलते हैं और धमाकेदार एंट्री के साथ आते हैं, तो कैसा लग रहा है एंट्री धमाकेदार? यार एंट्री सबकी बहुत बढ़िया है, इस तरीके से आपने देखा कि यार कि सबकी एंट्री बड़ी है। तो कितना एक्साइटेड मूवी देखने के लिए? यार आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्या लगता है धमाल मचाएगा थिएटर में? डेफिनेटली यार, इट्स रोहित शेट्टी यार, बात ही खत्म हो गई अभी तो कुछ नहीं। यप ट्रिपल धमाल। ट्रेलर देखा? बहुत अच्छा। कौन ज्यादा अच्छा लगा आपको? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आपका फेवरेट कौन है? मेरा तो अजय देवगन है। अजय ने दो तीनों मिलकर साथ में कैसे लगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रणवीर सिंह कैसा लगा? बहुत फनीस्ट, कॉमेडियस। और ट्रेलर में क्या अच्छा लगा आपको? हेलीकॉप्टर, बारह बारह शैतान का साला, बारह बारह रबड़ी वाला, सो गए मुझे शैतान का साला, बारह 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 लूटो 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 जमता हूँ बाला, बारह बारह बारह। ओके ओके थैंक यू सो मच। तो मैम आपने देखी सूर्य, कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी, बहुत ही डायनामिक फिल्म है ये। ये फिल्म देखने के लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब भी मैंने ये सिम्बा देखी थी और लास्ट में दिखाया था कि अक्षय कुमार जी की एंट्री हो रही है दूसरी फिल्म में, तो अक्षय कुमार जी को देखने के लिए कौन नहीं बेताब होगा, और जैसे कि तीनों हीरो डैशिंग है, डायनामिक है, तो कोई भी ये फिल्म देखना ही चाहेगा। हाँ ट्रेलर ऑफ सूर्यवंशी मैं वाकई ये कह सकता हूँ कि ये जैसे नाम है सूर्य, वैसे ही मतलब ये बहुत ही मतलब रोशनी देने वाली मतलब एक फिल्म है, जो कि रोशनी का मतलब है मनोरंजन की रोशनी, और तीनों सुपरस्टार है अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह, तो इतना मतलब पैकेज आपको एक ही फिल्म में देखने मिलेंगे, या तो आमतौर पे आपको तीन अलग अलग फिल्में, ये तीन फिल्में एक साथ में जैसे हो गई तो लोगों को पैसा वसूल क्या डबल मतलब ट्रिपल पैसा वसूल हो जाएगा, और उन्होंने एक अच्छा पैकेज बनाया कि इमोशन एक्शन सेंटिमेंट और पेट्रियोटिक मतलब आतंकवादी के खिलाफ, तो मैं सोचता हूं कि ये ऑडियंस के लिए तो मतलब दे विल गेट फुल एंटरटेनमेंट, और इसकी ओपनिंग तो ज़बरदस्त होने वाली है, एंड इस साल 2020 की ये वन ऑफ द टॉप फिल्म्स निकल आएगी। अरे फैंटास्टिक, मस्त मस्त लगा। अजय देवगन की एंट्री तो बाबा कुछ बोलने का ही नहीं ऐसा, और तो अपना अक्षय कुमार का अपना हेलीकॉप्टर चेसिंग और बाइक चेसिंग का सीन खतरनाक, मतलब धमाल। तो कैसे लगे आपको ट्रेलर सूर्यवंशी?
ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से तीनों जो स्टार्स थे एक साथ में उनको लेकर आए हैं और जिस तरीके से ट्रेलर कट किया गया है, तीनों को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया है, चाहे वो कैटरीना क्यों ना हो, हमेशा हमने देखा है कि उनका जो हिंदी फ्लेवर रहता है वो लोगों को पसंद नहीं आता, बट इस फिल्म में ऐसा है कि उनका हिंदी फ्लेवर भी पसंद आ रहा है लोगों को, तो मुझे ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। तीनों की एंट्री अपने अपने जगह पे धमाकेदार थी, पर जिस तरीके से अजय सर एंट्री मारते हैं, आई थिंक उनके जैसा एंट्री कोई नहीं मार सकता, चाहे कितने भी सिंगम बना लो या कितने भी यूनिवर्स साथ में ला लो, अजय देवगन की जो एंट्री है वो कोई नहीं कर सकता। कैसे लगी ट्रेलर? बहुत बहुत अच्छी। पहली बार रोहित शेट्टी मैजिक के साथ साथ लॉजिक भी लेकर आए हैं और जाहिर सी बात है कि बहुत बढ़िया है। इसलिए देखिए, मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा संभावना ये लग रही है कि ये जो कैरेक्टर है वो राकेश मारिया का है, क्योंकि हेमंत करकरे की जब शहादत हुई उसके बाद वो क्राइम ब्रांच छोड़कर ATS उन्होंने फिर से ज्वाइन की थी, और ये केस सुलझाते सुलझाते, जो भी ताज का जो केस है वो सुलझाते सुलझाते उन्होंने कमर तोड़ कर रख दी थी अंडरवर्ल्ड का, अंडरवर्ल्ड नहीं साथ में ये टेररिज्म का सारा कुछ। तो मुझे ये लग रहा है कि ये उससे इंस्पायर्ड है, और मेट्रो सेंट्रिक है तो थोड़ा सा ज़्यादा रोमांच होगा, और मुझे लगता है कि इन तीनों का तड़का तो इसको बहुत ही खूबसूरत बना देगा। सर कैसा था आपका? अरे बहुत 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 क्रेजी था, मुझे मतलब बहुत मज़ा आया। अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह एंड कटरीना कैफ, करण जौहर, इन लोगों ने मतलब इनके साथ, रोहित सर तो अमेजिंग है, मतलब रोहित शेट्टी सर जैसा मैंने इंसान पूरे बॉलीवुड में नहीं देखा। ही ट्रीट्स यू लाइक यू आर हिज फैमिली। एंड अक्षय सर से तो मैं मिला ही हूँ, तो वो भी मेरे को छेड़ते रहते हैं, मेरे साथ मस्ती करते हैं। आज मैं फर्स्ट टाइम रणवीर सिंह और अजय देवगन से मिला। अजय देवगन सर बहुत क्लासी थे, लेकिन रणवीर सिंह में जो एनर्जी है ना, इतने क्रेजी है ना, वो आके हक करता है, उठा, इज अमेजिंग, लव इट। बहुत बहुत मस्ती, आपने जितना स्टेज पे देखा उससे कहीं ज़्यादा तो बिहाइंड द स्टेज मस्ती चल रही थी। अक्षय कुमार ने रणवीर सिंह से उठक बैठक कराई है, हम लोग ने वीडियो रिकॉर्ड की है पूरी। जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा अक्षय सर से, आप इतना कैसे वीडियो बना रहे हो, उसके बारे में कैसे? अरे बहुत क्रेजी था, मतलब वो अक्षय सर वही जैसा ग्रिल करते हैं कि तू सुस्त है, फिर अजय देवगन सर आए कि बीच में बोल ले कि तू कितने बजे उठता है, मैंने बोल दिया 12 बजे, 4 बजे उठते हो, तो वो बहुत क्रेजी था, अच्छा था, बहुत मजा आया। छोटे पर्दे पे तो आपने देखे ही, जी और जी, बड़े पर्दे पे भी ट्रेलर देखा, जी जी देखा? बहुत बढ़िया, मतलब ब्लॉकबस्टर ट्रेलर है, मतलब ये पिक्चर इट्स गोइंग टू विन इट ऑन द बॉक्स ऑफिस एंड इट्स क्रेजी, क्रेजी वन ऑफ द हाइएस्ट वीकेंड्स होने वाला है ये पिक्चर का, एंड इतने बड़े सुपरस्टार एक साथ एक मूवी में, तो आप सोच ही सकते हो कि क्या धमाका होने वाला है। आप कितने एक्साइटेड हो मूवी देखने? अरे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सर, बहुत 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 ज़्यादा, एकदम एकदम। मेरा तो प्लान है रोहित सर की टीम के साथ देखने का। सर अभी आपके चैनल पे कुछ वीडियो आने वाला है सर? प्लान कर रहे हैं अक्षय सर के साथ, प्लानिंग अक्षय सर के साथ प्लान चल रहा है, लेट्स सी, कैन नॉट प्रॉमिस, इट्स अप टू अक्षय सर, बट लेट्स सी, मोस्टली हो सकता है। अभी प्लान करना है, अभी तो मैं बता नहीं सकता आपको कुछ। सर 10 out of 5 मेरे को इतना पसंद है, मैं तो फैन हूँ सर रोहित शेट्टी का, अक्षय सर का, रणवीर सिंह का, अजय देवगन का, तो मतलब आप मेरे से गलत सवाल ही मत करो, आप मेरे को प्लेयर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, बहुत बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है इसका, और बहुत बड़ी हिट होगी। अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह को एक साथ देखना एक उसमें ट्रेलर में बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है। और तीनों की एंट्री कैसी लगी? इतने धमाके, बहुत बढ़िया धमाकेदार एंट्री थी, और धमाका और वो सब चीज़ तो छोड़िए, लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि रोहित शेट्टी ने इसमें जो मुस्लिम अच्छे जो ऑफिसर्स हैं उनका भी जिक्र किया, तो ये एक बहुत अच्छी पहल की है उन्होंने, इसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। थिएटर में कितना धमाल मचाने है? बहुत ज़्यादा धमाल मचाने वाली है थिएटर में, तो रिकॉर्ड तोड़ दें, सबसे बड़ा मूवी होगा, इससे बड़ा मूवी हो ही नहीं सकता, आप जैसा देख रहे थे। नहीं नहीं, क्योंकि ये कहानी भी लॉजिकली अच्छी लग रही है, और साथ में उनका मैजिक तो है, हाँ, और तीनों हीरो का है, तो बहुत, हाँ, उसकी भी एक्टिंग अच्छी थी, जैसा कि अक्षय ने भी कहा कि मैं हिल गया उनकी एक्टिंग देखकर, पहले ब्यूटी देख अच्छी लग रही थी, दोनों का पेयर तो वैसे ही नमस्ते लंदन से हम देखने वाले देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, पूरे एनर्जेटिक थे। 5 में से कितना स्टार्ट? मैं इसको 3.5 दूंगी। तो
कितना धमाल मच रहा है सिम्बा और अक्षय कुमार अजय देवगन सिम्बा सब लोग साथ में मिलके। देखो सिंघम तो ऑलरेडी फेमस ही है, सिम्बा भी ऑलरेडी धमाकेदार है, ये ट्रिपल हीरो है, मतलब ट्रिपल धमाकेदार होने वाली है फिल्म, तो ये देखना जरूरी ही है। मतलब जरूरी बोले तो मेरे हिसाब से तो मैं ये फिल्म कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। आपको क्या लगा बेस्ट ट्रेलर में? मुझे अक्षय कुमार जी की एंट्री, अक्षय कुमार जी की एंट्री और सिम्बा की एंट्री और सिंघम की एंट्री, तीनों की एंट्री बहुत ही धमाकेदार है। मैडम भी बहुत ही अच्छे हैं। और ओवरऑल मुझे ट्रेलर अच्छा लगा बहुत ही ज़्यादा। अभी फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा ट्रेलर को। मतलब ठीक है, मतलब बहुत ही सुंदर है तो जितने परसेंटेज उससे ज़्यादा ही होएंगे वो। थैंक यू।